खबरें सामने आ रही है कि वीकेंड का वार का शूट खत्म होने के बाद में राखी सावंत ने कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से अभिनव शुक्ला पहुंच गए हैं कन्फेशन रूम। जी हाँ, नमस्कार, मैं हूं रिदम ठाकुर, स्वागत करती हूं आप सभी का बॉलीवुड हेडलाइंस में। दरअसल बिग बॉस में वीकेंड का वार शुक्रवार को शूट होता है। शूट के खत्म होने के बाद जहां घर वाले अपने ट्रैक पर वापस आते हैं, यानी कि अपने अपने बेड्स पर जाते हैं सोने के लिए, तो उन्होंने देखा दरअसल रुबीना और अभिनव के बेड पर ऑलरेडी राखी सावंत जो है वो जाकर लेट जाती है। और अभिनव जो रहते हैं वो रुबीना से कहते हैं कि यार रुबीना, अब ना मैं इनसे काफी ज्यादा इरिटेट हो चुका हूँ, फ्रस्ट्रेट हो चुका हूँ, नाउ आई कांट हैंडल हर, और मैं जो हूँ नहीं जाती, और मैं जा रहा हूँ कन्फेशन रूम। जिस पर वो बिग बॉस को कहते हैं ये वाली बात कि बिग बॉस आप मुझे कन्फेशन रूम में बुलाइए, मैं माइक उतार दूंगा नहीं तो, और मैं तब तक नहीं पहनूंगा जब तक कि आप मुझे कन्फेशन रूम में नहीं बुलाएंगे। पहली बार ऐसा है जिस पर बगावत पर उतर आए हैं अभिनव शुक्ला। सो अभिनव शुक्ला को कन्फेशन रूम में बुलाया जाता है, वो राखी सावंत को लेकर क्या बात करते हैं देखो ये तो नहीं पता है, लेकिन जिसके बाद में अभिनव शुक्ला को दिलासा जरूर दिया गया होगा। और जब वो कन्फेशन रूम से बाहर आते हैं तो राखी सावंत ऑलरेडी उनके बेड से हट जाती है। सो कहीं ना कहीं ये लिमिट जो है, क्योंकि देखो एक ऑलरेडी एक बंदा जब फ्रस्ट्रेटेड होता है और उस पर जाकर आप थोड़ा सा भी अगर उस पर इतना सा भी पिन भी अगर आप लगा दोगे तो कहीं ना कहीं वो और ज्यादा भड़क जाता है। खैर, राखी सावंत पहली बार उनके बेड पे नहीं गई है, लेकिन सिचुएशन ऐसी है कि कहीं ना कहीं अभिनव जो है इस बात से काफी ज्यादा परेशान हो चुके हैं। सो गाइस, आप लोग क्या कहना चाहेंगे इस बात को लेकर कि आपको लगता है कि अभिनव का जो फ्रस्ट्रेशन लेवल जो बढ़ता जा रहा है अब ये पॉइंट पे आकर सही है, क्योंकि कहीं ना कहीं अभिनव की गेम जो है, अभिनव की स्मार्टनेस जो है, अभिनव की ट्रिक्स जो है वो सामने आ रहे हैं क्योंकि राखी सावंत कुछ ना कुछ ऐसा कर रही हैं। सो आप लोग क्या कहना चाहेंगे, क्या है आप लोगों की राय, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।